क्या बताओ 16th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x square plus x माइनस 3। बट बच्चों समझ उसी को आएगा जिसने वीडियो देखा होगा पिछले वाला, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा उसको कम समझ आएगा, ठीक है। I is equal to, देखो बच्चों जरा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर ये वाली टर्म देखो आप 2x square plus x minus 3, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 4x plus minus 3। देखो बच्चों तो इसका डेरिवेटिव 2x square plus x minus 3 का डेरिवेटिव 4x plus 1 होता है, आप करके देख सकते हो। तो आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट 2x square plus x minus 3 इज इक्वल टू t। बच्चों इसका डेरिवेटिव आ गया 4x plus 1 इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt। समझ आया क्या आपको? सो इंटीग्रल i को आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन रूट ऑफ t। समझे, dt अपॉन रूट ऑफ t, करो इसका इंटीग्रेशन जरा, क्या लिखेंगे, माइनस हाफ, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, हाफ डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, प्लस में सी भी लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 into root t प्लस सी, क्या आ जाएगा बताओ जरा, 2 into, देखो जरा t की वैल्यू क्या थी, 2x square plus x minus 3, ठीक है, प्लस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन और सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला, पिछला वीडियो नहीं देखा, यही कहना चाह रहे हो, नाइन ही तो देखना था बेटे, रात को स्पेशली। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो, और ये एक स्पेशल टाइप बनती है, कौन सी टाइप है इंटीग्रेशन की, है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, एंड और आप दूसरी भी, दूसरी एक्सप्रेशन भी होती है ऐसी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ऊपर जो एक्सप्रेस टू है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, 1 डिग्री की एक्सप्रेशन है, और नीचे एक ये क्वाड्रेटिक x square minus 1। अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो या विदाउट अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, दोनों को करने का मेथड एक ही होता है। कैसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, ये जो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, हमें इसको अज्यूम करना है, पुट x square minus 1 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x square minus 1 प्लस बी, ए एंड बी आर सम कॉन्स्टेंट, इसको क्या सब्सटीट करना है, जो अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, नहीं हो रहा बता दे, x square minus 1 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x square minus 1 प्लस बी, समझ आया, ये सब्सटीट्यूट करना है, a और b आपको कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है जिनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, सम कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी नहीं, सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो x square minus 1 इज इक्वल टू, बच्चों इसका डेरिवेटिव करो, a इंटू क्या हो गया 2x, a इंटू 2x प्लस b, समझ आया, तो यहां से आ गया x square minus 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस b, ये समझ आया बच्चों। अच्छा यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, अच्छा एक मिनट, अच्छा थोड़ा सा यहां पर ना मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या हो गया कि आपको यहां पर क्या लेना था, ये ऊपर वाली लीनियर एक्सप्रेशन लेनी थी, ठीक है, ऊपर वाली लीनियर एक्सप्रेशन, यहां पर x प्लस 2 लेना था, ध्यान रहे इस लीनियर एक्सप्रेशन को पुट करना है, दिस इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस
एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी। ठीक है, ठीक करो बच्चों इसको। यहां पर जो एक्सप्रेशन आपको लेनी है वो क्या लेनी है, एक्स प्लस टू। ऊपर जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो लिखनी है यहां पर एक्स प्लस टू। ठीक है, अब देखो बच्चों, लिख लिया, चेंज कर लिया सभी ने, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कॉफिशियंट क्या है वन और राइट हैंड साइड में एक्स का कॉफिशियंट क्या है टू ए। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कॉफिशियंट वन है और राइट हैंड साइड में क्या है टू ए, तो दोनों साइड के लाइक टर्म्स के कॉफिशियंट कंपेयर करो। सो टू ए किसके इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए। टू ए किसके इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए। एंड बी किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू। समझ आया, ए की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आएगी, हाफ के इक्वल। बी की वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है टू। इसको बच्चों आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहां पर, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए इन टू टू व्हाट इज एक्स, नहीं सॉरी एक्स नहीं, ए। ए कितना है, हाफ ए इंटू टू एक्स, ए इंटू टू एक्स प्लस बी कितना है बच्चों, टू। अब आप इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई मत कर देना, नहीं तो राइट हैंड साइड भी एक्स प्लस टू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस टू को ही तो लिखा हुआ है वो। बताओ यहां पे कोई प्रॉब्लम, बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलो फिर आगे चलते हैं। सो बच्चों x प्लस टू की वैल्यू क्या आ गई, दिस। i को क्या लिखोगे आप, i इज इक्वल टू x प्लस टू की जगह आपको ये लिखना है हाफ ऑफ टू एक्स, हाफ ऑफ टू एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। समझ आया क्या? ठीक है, चलें अब आगे। अब बच्चों हम इसको सेपरेट कर देंगे, आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ इस, इसको एक्स इससे अलग डिवाइड करो, देखो जरा प्लस में इस टू के साथ, हम टू के डिनोमिनेटर में पहले तो हम इन दोनों को डिनोमिनेटर से सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो 2x अपॉन दिस एंड 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देते हैं, पहले दोनों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, दोनों न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया सेपरेटली, एंड फिर उसके बाद इंटीग्रेशन भी दोनों पे सेपरेट कर दिया। एक पार्ट को हम लेंगे आई वन, आई वन, और दूसरे पार्ट को लेंगे हम आई टू। आई वन क्या है देखो जरा, आई वन, आई वन है हमारा हाफ ऑफ टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। देखो जरा, सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन को तुम क्या ले लें, टी ले लें, पुट करें, पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो टू एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी के इक्वल। टू एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी टी के इक्वल। सो इस टू एक्स डी एक्स को ले लिया जाए डी टी, तो ये क्या क्या बन गया, आई वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी अपॉन बोलो रूट टी। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये टी की कितनी पावर है, माइनस हाफ है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा रूट टू। रूट टी अपॉन हाफ प्लस सी वन, और हाफ से इसको कट कर देंगे, रूट टी इसका आंसर आ जाएगा। और रूट टी कितना है भाई, रूट टी इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन, ये आंसर आया। ठीक है, ठीक है बच्चों, बोर्ड छोटा पड़ गया इसीलिए मैंने कहा था 85 इंच दिलवा दो मुझे, 75 इंच दिलवा दिया। चलो आप लोगों ने नोटबुक पे तो लिखा हुआ है, आई टू बताओ कितना है, आई टू कितना था बच्चों, टू इंटू वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन था शायद,
जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, डायरेक्टली होता है इसका तो, ठीक है। अब अच्छा इसको लिखोगे सी टू। अब बच्चों आई हमारा क्या था, आई वन प्लस आई टू। अगर आपने आपके पास आपने नोट नहीं किया तो पीछे से देख लो, अरे अभी बहुत बार मिल चुका है। आई वन देखो क्या है, यहां से आई वन आया है ना, और आई टू अगले पेज पे है। और ये भी आपने देख लिया होगा कि आई हमारा क्या था, आई वन प्लस आई टू, ठीक है। तो देखो जरा फिर I इज इक्वल टू, बताओ I की वैल्यू, I1 बताओ क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस I2 कितना है, टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c। ये c क्या है भाई, ये c है c1 प्लस c2, दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट लिख दिया, दोनों कांस्टेंट्स को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट लिख दिया है, ठीक है, समझ आया। चले आगे, एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा ही आया समझ। अगला क्वेश्चन, पहले बच्चों थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं पहले, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ, बताओ जरा, x माइनस 5, लिखते रहो साथ साथ x माइनस 4, नीचे के दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या आता है। I इज इक्वल टू 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देखो जरा, चेक करो, I इज इक्वल टू दिस, ओके। फिर से बच्चों वही आ गया, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्या करेंगे बताओ जरा, बताओ क्या करेंगे, 6x प्लस 7 को पुट कर देंगे ऊपर, जो लीनियर एक्सप्रेशन उसको पुट करेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ध्यान रखना बच्चों स्क्वायर रूट नहीं लेना है यहां पर, विदाउट स्क्वायर रूट पुट करना है, प्लस में क्या है b, सो क्या आ गया यहां से बताओ जरा, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू, बताओ 2x माइनस 9 प्लस में b, करेक्ट। अब क्या करें, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये हो गया 2ax माइनस 9a प्लस b, सो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, बताओ जरा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अब कंपेयर करो बोथ साइड कोफिशिएंट्स, तो राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 2a है और लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, सो 2a इज इक्वल टू 6, और a बच्चों यहां से कितना आ गया 3, ठीक है। एंड कांस्टेंट हमको देखो जरा क्या है, राइट हैंड साइड में माइनस 9a प्लस b है और लेफ्ट हैंड साइड में 7 है, कंपेयर करो, a की वैल्यू यहां पर 3 डालो, कितना आ गया -27 प्लस b इज इक्वल टू 7, सो b की वैल्यू आ गई बच्चों 34,
कैलकुलेशन चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं करी। ओके चले आगे। सो बच्चों इस ए बी की वैल्यू को कहां डालोगे, ये आपको यहां पर डालनी है 6x plus 7 is equal to, तो बताओ यहां से 6x plus 7 किसके इक्वल आ गया, a what is a 3 into बताओ 2x minus 9 2x minus 9 plus b what is b 34 right। सो अपना इंटीग्रेशन i अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ जरा, 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx क्या करेंगे अब सेपरेटली डिवाइड करेंगे, i इज इक्वल टू 3 को तो बाहर लिख दें सेपरेटली डिवाइड करेंगे ना, तो ये 2x माइनस 9 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट और प्लस प्लस 34 और यहां पर अलग से कर देता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ठीक है बच्चों, और दोनों को इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देता हूं एक ही स्टेप में कर देते हैं वरना दो तीन स्टेप लिखने पड़ेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं तो इसके साथ dx भी लिखना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन अलग करते हैं इसके साथ भी dx लिखना पड़ेगा ठीक है, और 34 के भी कांस्टेंट है कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, इसलिए सेकंड पार्ट में 34 को बाहर लिख दिया फर्स्ट पार्ट में 3 को बाहर लिख दिया। अब बच्चों एक पार्ट को क्या लेंगे आई वन और दूसरे पार्ट को लेंगे आई टू, एक बार ध्यान दो कुछ लोग ना यहां पर ऐसे लिखते हैं 3i1 प्लस 34i2 जैसे कि मैंने भी लिख ही दिया, ऐसे मत क्या करो पूरे में लिखा करो कांस्टेंट के साथ ही लिखो वरना वो तंग करता है बाद में ठीक है। i1 प्लस i2 अब i1 कैसे सिंप्लीफाई होगा बताओ कौन बता रहा i1 वेरी गुड, नीचे वाले को टी पुट करेंगे 3 इंटू 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डीएक्स। बेसिकली जब हम यह ऐसे कर रहे होते हैं ना ये जो हमने यहां का पार्ट सॉल्व किया था तो हमने नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की थी ऊपर उसी के जुगाड़ में लगे हुए थे हम। अब पुट करो इसमें किसको पुट करोगे पुट करो बच्चो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस 9 इंटू डीएक्स दिस इज इक्वल टू डी टी आएगा कि नहीं आएगा। सो i1 अब क्या बन गया i1 बन गया बच्चों i1 हमारा क्या बन गया 3 इंटू डी टी अपॉन रूट टी और इसका इंटीग्रेशन तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे क्या कर लिया टी की पावर माइनस हाफ टी की पावर ये क्या माइनस हाफ है भाई ध्यान से देखना है माइनस हाफ लिखा है बहुत गंदा हो गया लिखने में ठीक है माइनस हाफ डी टी तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 3 टी की पावर हाफ यानी कि रूट टी डिवाइडेड बाई हाफ करेंगे तो 2 आएगा और ये 3 का क्या बन जाएगा डिवाइडेड बाई हाफ करेंगे तो 2 वापिस ऊपर आ जाएगा 6 हो जाएगा प्लस में सी और t की वैल्यू बताओ आप मुझे c1 लिख लो c की बजाय t की वैल्यू बताओ रूट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 9x प्लस 20 प्लस में क्या c1 समझ आया ठीक है। अब i2 को कैसे करेंगे भाई i2 बताओ i2 इज इक्वल टू देखो कहां i2 34 इंटू
वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 20। क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक में आए थे, 15 तक में आए थे राधव। सो इसलिए ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे उसके लिए आप जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को जरूर देखें, जो इंटीग्रेशन का 9th वीडियो है वो आपको देखना है, ठीक है, तभी इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ऐसे पार्ट्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, जब यहां पर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक टाइप की टर्म हो। हमने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे, तो वहां पर ये दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर होती थी, लेकिन यहां तो नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो जरा, दिस इज 34 इंटू, बच्चों ध्यान से देखो कि आपको ये एक्स स्क्वायर और 9 वाली दो टर्म्स पे फोकस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, और इस वाले पार्ट को फोकस करना है, और इसमें भी एक्स का कोफिशियंट देखना है। क्या देखना है? एक्स का कोफिशियंट। क्या है एक्स का कोफिशियंट? माइनस 9। चलो माइनस को यहां पर इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 9 न्यूमेरिकली देख लो बस, 9 का हाफ करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, ये आपको यहां पर ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x, आपको यहां पर प्लस 9/2 का होल स्क्वायर करना है, ये 9/2 है, 9/2 का होल स्क्वायर यहां पर आपको ऐड करना है। ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी होगा, 20 यहां पर पहले से ही था, सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से क्या, 9/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 81/4 सब्ट्रैक्ट करना है और इंटू dx। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? अगर आप पिछला वीडियो देख लोगे तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन वहां पर इसी प्रैक्टिस के हैं। दिस इज इक्वल टू 34 इंटू, कर लिया आप लोगों ने ये वाला पार्ट, आता है ना, ये वही मेथड जो आपने 10th में छोड़ दिया था। 10th में सर हमने नहीं जोड़ा था, अब ये क्या हो जाएगा देखो जरा, वेरी गुड, 11th में कॉनिक सेक्शन में करा है भाई, एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये जो पहले वाली एक्सप्रेशन है ये क्या, एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस बच्चों ये क्या बन जाएगा, माइनस 1/4, क्या बनेगा ये, माइनस में 1/4 बनेगा, ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये माइनस 1/4 बनेगी, जिसको हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब ये बन गया हमारा किसकी तरह से, अंडर रूट भी है ना, लगा दो अंडर रूट भी, क्यों रखते हो? अब ये किस साइड का बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला। बस प्रॉब्लम यह है कि यहां पर तो एक सिंपल एक्स होता है और यहां पर एक्स माइनस 9/2 है, ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब ये जो फॉर्मूला अभी लिखा था वो लगाने के लिए यहां पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के जगह ये है, ये एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, इसका कोफिशियंट 1 होना चाहिए, उसका भी कोफिशियंट 1 है, एंड जो ये स्क्वायर के नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, ये लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो लीनियर ही जो है, देखो एक्स माइनस 9/2 इज लीनियर, 1 डिग्री की टर्म है, ठीक है, ओके, तो आप इसमें लगा सकते हो। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक काम कीजिए, पुट करिए एक्स माइनस 9/2 इज इक्वल टू टी, तो यहां से आएगा dx इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन हमारा हो गया 34 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 34 इंटू लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ, बोलो जरा, टी स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एज इट इज जो यहां पर होती है वही यहां पर एज इट इज लिखी जाती है इस इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब टी को वापस अगर डाल दें हम, टी की वैल्यू बताओ क्या है, 34 लॉग ऑफ टी इज व्हाट, एक्स माइनस 9/2,
तो यहां पर आप लिख दीजिए एक्स माइनस नाइन बाई टू। आगे भी आप क्या लिखेंगे टी के जगह, टी के जगह क्या लिखेंगे, एक्स माइनस नाइन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस में सी टू कर लीजिए भाई इसको, सी वन की सी टू लिख लीजिए इसको, ठीक है। बात तो अभी भी नहीं बनी, जगह तो अभी भी कम पड़ गई, ठीक है। देखो फिर लिख लिया तो आपने, जगह तो हम बना ही लेंगे आराम से, नहीं तो जगह की दिक्कत नहीं हमारे पास। चलो बताओ भैया, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू लगाना था, तो बताओ आई वन आपने नोट किया होगा देख के वहां से कितना था, सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस में आई टू, आई टू बताओ कितना आया, थर्टी फोर लॉग लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस नाइन बाई टू, एक्स माइनस नाइन बाई टू। अच्छा इस टर्म को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगी, जरा इसको करके देखो, यस ये वापस क्या आनी चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी आनी चाहिए, तो आप कॉपी मारो इसको वहां से और यहां डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस सी, और ये सी क्या है भाई, सी वन प्लस सी टू के इक्वल है, ठीक है। करो जरा इसको कॉपी, सो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, चले आगे। अब अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं और उसी हिसाब से आप वीडियो, छोटा तो फिर जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे होंगे उनको देखने में प्रॉब्लम आएगी ना, सबका ख्याल रखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो रूट नहीं है ना, तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, किसी में रूट होगा किसी में रूट नहीं होगा, रूट वाले हमने दो तीन क्वेश्चन कर लिए आई थिंक, तो ये विदाउट रूट वाला करते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, वो तो लास्ट में जहां फॉर्मूला लगता है वहां पर फर्क पड़ेगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। सो सबसे पहले तो इस लीनियर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बताओ क्या करोगे, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस में बी। चलो अब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, ए और बी की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, बी कितना आया भाई, वेरी गुड, ए और बी आ गए हमारे, ठीक है ए और बी आ गए। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, कहां पर करना है, इस वाले में करना है। सो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, बताओ ए की वैल्यू, हाफ ऑफ हाफ ऑफ टू एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस टू प्लस बी, बी कितना है फोर, यही है ना। तो इंटीग्रेशन आई अब हमारा क्या बन जाएगा, यहां तक सबका हो गया ना, बताओ जरा, हाफ ऑफ टू एक्स माइनस टू प्लस फोर अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं है अब की बार, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव इंटू डी एक्स,
ठीक है बच्चों, चलें आगे। क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड कर देंगे राइट, और दोनों को जैसे दो पार्ट बन गए ना, यहां पर एक ये वाला पार्ट, इसको डिनोमिनेटर से अलग डिवाइड करेंगे और फोर को डिनोमिनेटर से अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू, पहले पार्ट में इंटीग्रेशन भी मैं अलग ही लिख देता हूं और हाफ को इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूं, हाफ ऑफ इंटीग्रल 2x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं है सॉरी, अंडर रूट की कई क्वेश्चन लगातार किए तो ऐसे हैबिट सी बन गई, अंडर रूट अंडर रूट ही लगाना है, माइनस 2x माइनस 5 इंटू dx। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन अलग करेंगे प्लस में 4 इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन अलग, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। और सेकेंड पार्ट में जो कॉन्स्टेंट 4 था उसको भी मैंने पहले ही बाहर लिख दिया है। तो ये हो गए आई वन एंड आई टू, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। करो पहले आई वन को सॉल्व करते हैं, क्या है आई वन बताओ जरा, बताओ आई वन क्या है, हाफ ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, क्या करेंगे 2x माइनस 2 रोटी पुट कर दें, क्या करें पुट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, ओ क्या कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू टी, क्या आएगा यहां पर 2x माइनस 2 इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt। सो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो क्या बन गई, ये कंप्लीट dt बन गया। सो I1 आ गया हाफ ऑफ dt अपॉन t, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, हाफ ऑफ log mod t प्लस, सो आई वन क्या आ गया बच्चों, हाफ, अपनी सुपर फास्ट log mod t, t बताओ कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस सी वन। ठीक है बच्चों, ये हमारा आई वन आ गया। अब आई टू करते हैं, आई टू को सिंप्लीफाई करते हैं, आई टू क्या है देखो जरा, आई टू इज 4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। कैसे करेंगे कौन बताएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सो कैसे बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का कॉफिशियंट देखना है आपको कितना, एक्स का कॉफिशियंट 2, 2 का हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो 1 आप इसमें ऐड करेंगे, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो माइनस 5 पहले से ही है, एक 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, और 6 को क्या लिख देंगे बच्चों,
चलो बताओ क्या बना अब ये 4 इंटू 1 अपॉन बताओ जरा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। ठीक है बच्चों आई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ 4। बताओ इसका फॉर्मूला बताओ एक्स माइनस वन इज लाइक एक्स अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप एक्स माइनस वन को टी पुट कर सकते हो नहीं तो डायरेक्ट लगा दो एक्स माइनस वन इज लाइक एक्स वो एक्स का रोल प्ले करेगा यहां पर बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग ऑफ ओहो 1/2 ए कितना है भाई रूट सिक्स 1/2 ए कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स क्या होता है 1/2 ए लॉग ऑफ अपॉन वेरिएबल पहले तो साइन भी पहले और वेरिएबल बाद में तो साइन भी बाद में चमका 1/2 दिस लॉग ऑफ 1/2 ए ये हो गया लॉग ऑफ एक्स की जगह ये कंप्लीट टर्म लिखनी है एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी टू। ठीक है चले आगे ओके सो और तो कुछ इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए है नहीं बस। ठीक है तो देखो जरा अब ये कितना आ गया भाई हमारा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू बताओ आई वन कहां है ये रहा 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड है ये प्लस इस टू को इससे काट सकते हो 2 अपॉन रूट सिक्स लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी और ये सी क्या है भाई सी वन प्लस सी टू ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन है। काफी स्पेस बच गई इस बार तो सर आपने अच्छा ठीक है बाकी के इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे बीच में जो एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं मेथड बिल्कुल सेम है बस नंबर्स बदलेंगे आपके पास 2, 3, 5 वगैरह उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करनी है आपको कोई नहीं आएगा तो मुझे बताओगे। ठीक है तो फोर्थ एक्सरसाइज बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है यहां तक इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है।